हेलो नमस्कार साथियों, आज हम विशेषतः एक बात करने वाले हैं और वह संदर्भित है हमारे उत्तर प्रदेश को लेकर के। क्योंकि आजकल आप भी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वह रोजगार को लेकर के थोड़ी सी कमर कस चुकी है और इसी रोजगार के दृष्टिकोण से अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक विषय वस्तु चर्चा में लाया गया, खास करके 24 जनवरी को जब हमारे उत्तर प्रदेश का दिवस आयोजित किया गया तो उस क्रम में एक घोषणा करी गई है और वह संदर्भित है मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना को लेकर के। वैसे अगर देखा जाए तो अब इसमें होगा क्या और कैसे कैसे संदर्भ होंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, जो एक संदर्भ बताया गया वो ये रखा गया कि उत्तर प्रदेश के लगभग लगभग 7.5 लाख युवाओं को क्या किया जाएगा, स्किल्ड किया जाएगा, अर्थात उन्हें ट्रेनिंग ऐसी दी जाएगी ताकि वह खुद से अपना या तो रोजगार कर पाए या किसी दूसरे रोजगार में अपने आप को जोड़ पाए। विशेषतः जिसके अंतर्गत अब जाहिर सी बात है जितने दिवस में वह प्रदेश का युवा किसी एक संस्थान में ट्रेनिंग वगैरह लेगा, अपना स्किल डेवलपमेंट करेगा, तो उस दशा में उसको कुछ मासिक भत्ता दिया जाएगा, कुछ खर्च दिया जाएगा, इसी की बात की गई है। अब संदर्भित ध्यान रखिएगा कि इस खर्च की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए दो क्रम रखे गए हैं कि कोई व्यक्ति जो 12वीं परीक्षा पास है उसे 8,000 रुपए का क्या होगा स्टाइपेंड दिया जाएगा और कोई व्यक्ति जो स्नातक परीक्षा पास है उसे 9,000 रुपए दिए जाएंगे। क्रम के रूप में हर जिले से अर्थात प्रत्येक जिले से 10-10 हजार स्नातक उत्तीर्ण को चुना जाएगा। इसका मतलब 10-10 हजार चुने जाएंगे, क्योंकि वर्तमान उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, सारे जिले में यह योजना पूरी क्रम से लागू होगी, तो इस कारण से लगभग लगभग 7.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका पूरा टैग था कि 7.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 7.5 शिक्षित युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को, चूंकि 12वीं और आपकी स्नातक परीक्षा पास है, खास करके जिनमें 9,000 रुपए क्या होगा आपके मासिक जो स्टाइपेंड दिए जाने की बात है वह इसमें बात की गई है। किस संदर्भ पे घोषणा की गई, तो ये यूपी दिवस पे इसको घोषित किया गया था। वैसे अगर देखा जाए तो इस संदर्भ में ध्यान रखिएगा, अब जाहिर सी बात है इसका जो पर्याय है वह 1 साल प्रशिक्षण के रूप में होगा। अगर इसकी बात की जाए तो 1 साल का प्रशिक्षण अवधि सुनिश्चित किया गया है, जिसमें हर जिले से 10-10 हजार लोगों को क्या किया जाएगा, इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा यह योजना केंद्र सरकार और जो हमारे राज्य की औद्योगिक संस्थान जिसको हम ITI के रूप में जानते हैं उसके माध्यम से संचालित की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षुओं को, चूंकि पिछले साल भी यह योजना चालू की गई थी तो उसमें 4,000 रुपए मासिक में, मतलब एक तरीके से स्टाइपेंड दिया जा रहा था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब आप कह सकते हो कि इसके अंतर्गत जो युवाओं को पैसा मिलेगा, अगर कोई 12वीं परीक्षा पास है अर्थात डिप्लोमा करना चाहता है तो उस दशा में उसको 8,000 रुपए मिलेंगे, और कोई व्यक्ति जो ग्रेजुएशन कर चुका है आगे का स्किल डेवलपमेंट करना चाहता है तो उसके लिए 9,000 रुपए दिए जाएंगे। ओवरऑल हम यू समझ सकते हैं कि अगर जो आप खुद का रोजगार या स्वरोजगार करना चाहते हैं और स्किल डेवलप खुद का करवाना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से कौशल प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो उस दशा में सरकार आपके लिए एक योजना लाई है जिसका आधार है 12वीं परीक्षा पास करने पर 1 साल का अगर जो आप क्या करते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं तो 8,000 रुपए मासिक आपको क्या होगा स्टाइपेंड, अर्थात एक तरीके से कह सकते हो भत्ता दिया जाएगा, और इसी क्रम में अगर आप स्नातक पास है तो उस कंडीशन में 9,000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। यही इस योजना का पूरा पूरा सार है। आज के संदर्भ को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले विषय वस्तु के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।